हमास के सीज फायर पर राजी होने के बावजूद इसराइल ने जंग की जिद नहीं छोड़ी। राफा में IDF के जमीनी ऑपरेशन को इजरायली वॉर कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसके बाद इजरायली सेना के टैंक राफा में गरजने लगे। राफा में इजरायली टैंकों के दाखिल होने के वीडियोस सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि इजरायल ने राफा को गाजा समझने की भारी भूल कर दी है। दरअसल सामने आ रहे वीडियोस में इजरायली सैनिकों और टैंकों को जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड और अल कुज ब्रिगेड समेत कई दूसरे लड़ाकू संगठनों ने राफा में IDF को नाको चने चबवा दिए हैं। हमास के इन संगठनों के लड़ाके इजरायली सेना के टैंकों, बुलडोजरों, सैनिकों और बाकी सैन्य साजो सामान को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। बारूद के गुबार में राफा में इसराइल की तबाही की तस्वीर नुमाया हो रही है। एक अकेला लड़ाका कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखकर इजरायली टैंकों को उड़ा रहा है। अल कासिम ब्रिगेड ने राफा शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित अल तकद्दुम एक्सिस में IDF के सैनिकों और उनके वाहनों को निशाना बनाने का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अल कासिम का लड़ाका एक बिल्डिंग में घात लगाकर बैठे IDF के सैनिकों को टारगेट पर लेता है और फिर उस पर रॉकेट से हमला कर देता है। उसके बाद वीडियो में आगे सुरंग में हमास का एक लड़ाका हाथ में रॉकेट लॉन्चर लिए हुए दिखाई देता है, जो किसी इजरायली टैंक का इंतजार कर रहा होता है, और जैसे ही इजरायली टैंक उसकी टारगेट रेंज में आता है, वो सुरंग से बाहर निकलकर उस पर रॉकेट दाग देता है, जिससे वो टैंक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। ये हमला इतना अचानक होता है कि टैंक के क्रू मेंबर को संभलने का कोई मौका नहीं मिलता। इसी वीडियो में आगे एक और लड़ाका रॉकेट लॉन्चर लिए एक घर के बराबर से होता हुआ दूर खड़े एक टैंक पर रॉकेट से हमला करता है, जो ठीक निशाने पर जाकर लगता है। उसके बाद दो लड़ाके एक बिल्डिंग में इजरायली सैनिकों को टारगेट पर लेते हैं और उन पर मशीन गन से दनादन फायर कर देते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठता है। वीडियो में आगे एक और लड़ाका सुरंग से निकलकर अचानक एक और इजरायली मेरकावा टैंक पर रॉकेट से फायर कर देता है, जिसकी वजह से इजरायली टैंक पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसके बाद अल कासिम ब्रिगेड ने एक और खतरनाक वीडियो जारी किया है, जिसमें हमास का लड़ाका अपनी स्नाइपर से घात लगाकर एक इमारत में छिप कर बैठा होता है। तभी उसी इमारत के सामने से कुछ इजरायली सैनिक गुजरते हुए दिखाई देते हैं। तभी हमास का लड़ाका उनमें से एक को टारगेट पर लेता है और उस पर फायर कर देता है। इसराइल ने लाव लश्कर के साथ राफा में एंट्री तो कर ली है, लेकिन इन वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि हमास भी पूरी तैयारी के साथ मानो IDF का इंतजार ही कर रहा था। और कई मौकों पर इजरायली सेना के अधिकारियों ने यह भी माना है कि गाजा में लड़ाई दुनिया की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका के साथ छोड़ने के बाद नेतन्याहू राफा में इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे या नहीं। हालांकि नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत के आगे झुकेंगे नहीं, लेकिन सवाल ये है कि वो हमास के आगे कब तक लड़ेंगे, खासतौर से तब जबकि हूती और हिजबुल्ला के साथ ईरान भी बड़े हमले की फिराक में है।